मॉड्यूल थर्टी थ्री साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट बिहेवियर थेरेपी सो वेन वी टॉक अबाउट द साइक्लॉजिकल मैनेजमेंट वी टॉक अबाउट द बिहेवियर थेरेपी बिहेवियर थेरेपी बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बिहेवियरिज्म सो दोज थेरेपिस्ट हुर थेरेपी दे एक्चुअली प्रैक्टिसिंग द बिहेवियरिज्म जब हम बिहेवियर स्कूल ऑफ थाट की बात करते हैं दैन वी टॉक अबाउट द थ्री डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट नंबर वन क्लासिकल कंडीशनिंग नंबर टू ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड नंबर थ्री मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सो दीज थ्री मॉडल्स आर प्राइमेरली वर्क्ड अंडर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज ऑफ बिहेवियर थेरेपी सो बेसिकली वट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि द पर्सन इज़ लर्न बिहेवियर थ्रू दी एसोसिएशन बिटवीन द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एंड द स्टेमुलस ठीक है तो जो भी आपका रिस्पॉन्स आता है ऑटोमेटिक वो आ, आता है इन रेफरेंस टू स्टेमुलस फॉर एग्जाम्पल फूड को देख के मुंह में स्लाइवा आना तो ये एसोसिएशन बिल्ड हो जाती है इस तरह लोग बिहेवियर लर्न कर लेते हैं सेकेंडली जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो बिहेवियर होता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके साथ एसोसिएशन बिल्ड हो जाती है एंड दैट्स वाई पीपल आर रिपीटिंग एंड लर्निंग द सम स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इसी तरह जब हम मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एनी पर्सन कैन लर्न द बिहेवियर थ्रू इमिटेशन यानी जो भी उसके सामने हो रहा होता है वो उसे ऑब्जर्व करता है और लर्न कर लेता है अब ये चीज़ें क्यों इम्पॉटेंट हैं डिस्कस करना ये इसलिए इम्पॉटेंट हैं क्योंकि जो बिहेवरस्ट हैं जो बिहेवियर स्कूल ऑफ थाट के लोग हैं वो कहते हैं कि जो मैल अडाप्टिव बिहेवियर होते हैं वो भी लर्नड होते हैं तो अगर आपने किसी के बिहेवियर को चेंज करना है तो आपने उसके लर्निंग पैटर्न को चेंज करना है आपने उसके उस बिहेवियर को चेंज करना है ताकि जो उसने पहले से सीखा हुआ बिहेवियर है वो उसको हम दूसरे डिफरेंट बिहेवियर के साथ चेंज कर लें ताकि वो जो एक अडाप्टिव फंक्शनिंग का बिहेवियर है उसको वो लर्न करें और उसको वो एक्जिबिट करें अब इसके लिए बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट में डिफ़रेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिनमें से चंद एक टेक्निक्स का जो है मैं वो यहाँ पर जिक्र करूँगी कि जो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट वाले वाले लोग होते हैं वो किस तरह बच्चों के साथ काम करते हैं और किस तरीके से और वो उनको नए बिहेवियर को लर्न कराने में हेल्प करते हैं इसमें सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक जो है बच्चों के साथ वो है री इन्फोर्समेंट री इन्फोर्समेंट का मतलब ये होता है कि जो बिहेवियर किया जा रहा हो उसको री इन्फोर्स किया जाए ठीक है आ, uh, जो री है वो दो तरह से होती है नंबर वन पॉजिटिव नंबर टू नेगेटिव अब जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट्स हैं इनका वर्क जो है वो सेम है लाइक दे आर डूइंग द वर्क ऑफ स्ट्रेंथनिंग द बिहेवियर ठीक है यानी ये एक बिहेवियर को स्ट्रेंथंड करेंगी अब कैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द चाइल्ड इज़ डूइंग गुड वर्क और उसके गुड ग्रेड्स आते हैं तो आप उसको प्रेज करते हो जो प्रेजिंग है ये उसके लिए पॉजिटिव री है और उसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है आ, अच्छे मार्क्स लाने का वो रिपीट हो सकता है ठीक है तो इट इज़ द पॉजिटिव री या अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है फॉर एग्जाम्पल आपकी बात मानता है और आप उसे चॉकलेट देते हो तो इट इज़ मोर लाइकली कि नेक्स्ट टाइम वो आपकी बात मानेगा बिकॉज दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग द चॉकलेट तो जो पॉजिटिव री है वो हमेशा बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है इसी तरह जो नेगेटिव री है वो भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है वो किस तरह करती है फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो टेबल पे बैठा हुआ है और आपने उसके सामने कैरट्स रख दी हैं अब उस बच्चे को वो कैरेट्स पसंद नहीं है एंड द चाइल्ड इज स्टार्टिंग टू स्क्रीम ओवर दैट थिंग और वो टेंपर टेंट्रम शो कर रहा है अब जैसे ही उसने टेंपर टेंट्रम शो करना शुरू कर दिया हैं आपने वो कैरेट उसके आगे से हटा दी है अब इस तरीके से बच्चे ने एक नेगेटिव बिहेवियर लर्न कर लिया है कि नेक्स्ट टाइम भी जब भी कोई चीज़ उसकी मर्जी की नहीं होगी तो वो इसी तरह टेम्पर टेंट्रम शो करेगा तो दैट इज़ द नेगेटिव री एन्फोर्समेंट देन द पनिशमेंट पनिशमेंट भी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है कि यू आर एडिंग द अवर्सिव स्टिमुलस वो क्या चीज़ है अवर्सिव स्टिमुलस हम कैसे किसे कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है वो कोक पीना नहीं छोड़ता अब आप ये चाहते हो कि वो कोक पीना छोड़ दे तो जो उसकी कोक है उसके अंदर आप कफ़ सिरप में ला देते हो तो जब वो उसको पिएगा तो डेफ़िनेटली वो उसे वॉमट आउट कर देगा क्योंकि उसे टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो इस तरह आप उसको पॉजिटिव पनिशमेंट के थ्रू हेल्प करोगे कि वो उस चीज़ को जो यूज़ कंजम्पशन है उसकी उसको वो रिड्यूस कर दे इसी तरह जो नेगेटिव पनिशमेंट है वो क्या होती है फॉर एग्जांपल अगर दो बच्चे हैं और वो आपस में फाइट कर रहे हैं तो और किसके ऊपर फाइट कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल के ऊपर तो जो मदर है वो दोनों बहन भाइयों से वो रिमोट कंट्रोल ले लेती है टी का इस तरह ये नेगेटिव पनिशमेंट होगी कि उनसे वो चीज़ जो है वो ले ली गई है तो दैट इज़ द नेगेटिव पनिशमेंट देन द एक्सटेंशन एक्सटेंशन क्या है कि जब एक बिहेवियर री इन्फोर्स हो चुका हो तो उसको आपने ख़त्म कैसे करना है तो उसको जब आपने ख़त्म करना uh, शुरू करना है यानी एक नेगेटिव बिहेवियर बच्चे ने लर्न कर लिया है थ्रू री इन्फोर्समेंट अब आप चाहते हो कि वो उसे अर्न लर्न करे तो उसके लिए हम एक्सटेंशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है वो ये ऑब्जर्व करता है कि जैसे ही उसके पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर लड़ाई शुरू होती है तो उस बच्चे को फिट पड़ जाता है और जैसे ही उसको फिट पड़ता है यानी वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है तो पेरेंट्स जो हैं वो अपना कॉन्फ्लिक्ट छोड़ के उस बच्चे की तरफ आ जाते हैं तो इस तरह उसका जो बिहेवियर है वो लर्न हो गया तो अब आपने इस बिहेवियर को अनलर्न अं कराना है कि वो बच्चा जो है उसको फिट ना पड़े तो आप उसके पेरेंट्स को ये कहोगे जिस वक्त उस बच्चे को फिट पड़े तो आपने अपना जो भी काम करें या जो भी आर्गूमेंट करें उसको कंटिन्यू करना है और आपने उसको अटेंशन नहीं देनी तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब उसके बिहेवियर को अटेंड नहीं किया जाएगा तो उसका बिहेवियर जो है वो एक्सटेंड होगा और वो लर्न कर लेगा कि अब उसके इस तरह के बिहेवियर से पेरेंट्स जो हैं वो उसको अटेंशन नहीं देंगे इसी तरह कंटेंजेंसी मैनेजमेंट है वन वी टॉक अबाउट द कंटेंजेंसी मैनेजमेंट तो उसको बेसिकली इस तरह समझ सकते हो कि हम कहते हैं कि इफ़ एंड देन अब इफ़ एंड देन क्या है कि अगर आप ये बिहेवियर करोगे तो आपको ये मिलेगा स्कूल में जिस तरह ये कहा जाता है कि ओके अगर आप नीट हैंड राइटिंग करोगे तो फिर आपको जो है वो स्टार मिलेगा ठीक है तो इफ़ एंड देन से चीज़ों को कंटिजन कर दिया जाता है एक बिहेवियर को री इन्फोर्समेंट के साथ Uh, इसी तरह मॉडलिंग मॉडलिंग में बच्चों को सिखाया जाता है किस तरह थ्रू ऑब्जर्वेशन फॉर uh, एग्जांपल इसमें लाइव मॉडलिंग भी होती है और इसमें सिंबॉलिक मॉडलिंग भी होती है अगर किसी बच्चे को डिबेट सिखानी है तो फॉर एग्जांपल टीचर करके दिखाता है वैसे ही जो ऑलरेडी डिबेटर्स होते हैं वो करके दिखाते हैं तो वहाँ से बच्चे सीख लेते हैं इसके अलावा सिम्बॉलिक मॉडलिंग होती है सिम्बॉलिक मॉडलिंग को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो जिसा डिफरेंट कार्टून करेक्टर्स होते हैं उन कार्टून करेक्टर्स uh, को देख के बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं स्पेशली अगर एक बच्चा है और वो डेंटिस्ट के पास जाने से डर रहा है तो आप कोई ऐसा कार्टून करेक्टर जो कि डेंटिस्ट के पास जाता है डेंटिस्ट से रिलेट करता है उससे बातें करता है उसको डेंटिस्ट उसको ऑपरेट करता है वट सो so, तो वो चीज़ अगर आप दिखाओगे तो बच्चे का जो फियर है वो कम हो जाएगा तो इस तरह सिम्बॉलिक मॉडलिंग यानी डिफरेंट करेक्टर्स के थ्रू भी बच्चे जो हैं वो चीज़ों को सीखते हैं और लर्न करते हैं तो ये डिफ़रेंट किस्म की टेक्निक्स हैं जो कि बिहेवियर थेरेपी में यूज़ होती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी हैं आ, लेकिन फ्यू ऑफ़ देम जो कि मोस्ट ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं आ, बच्चों के साथ वो ये हैं थैंक यू